आइए अब डिस्कस करते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के होने से क्या क्या इफेक्ट होते हैं? तो इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, हम इससे इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जो प्लांट को भी जरूरत होती है, एनिमल्स को भी जरूरत होती है और ह्यूमन बीइंग को भी जरूरत होती है। एक सर्वे के अनुसार यह पता चला है कि अभी 250 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको किसी न किसी तरह से वाटर बॉर्न डिजीजेस डेवलप हुए हैं, वाटर के कारण, या खराब पानी पीने के कारण, या बैक्टीरिया वाटर में होने के कारण, या वाटर में जो काम करते हैं तो उनकी बॉडी के एक्सपोजर के कारण। ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं, इनमें 250 मिलियन पीपल अफेक्टेड हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट जो है वो हेल्थ इश्यू, वाटर के कारण से जो डिजीजेस डेवलप होते हैं उनके बारे में। तो वाटर बॉर्न डिसीज में कई टाइप की होते हैं। अगर बैक्टीरियाज रहे तो वाटर बॉर्न डिसीज कहलाती है, अगर पानी पीने को साफ ना ही मिले तो वाटर वॉश डिसीज कहलाती है, अगर उसमें मॉस्किटो है, ब्लैक फ्लाई जैसे होते हैं तो उनसे जो डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिसिस होते हैं, ये अलग टाइप के डिसीज हैं। इस तरह से किसी न किसी पैथोजेंस के कारण से वाटर में डिसीज डेवलप करने की क्षमता आ जाती है वेस्ट वाटर में। अभी जो हम डिस्कस करेंगे मेनली वो है मेटल के कारण, क्योंकि मेटल के कारण डिसीज जो है बहुत दिन बाद पता चलती है और इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है इनकी टॉक्सिसिटी का। तो मेटल टॉक्सिसिटी के कारण से जो डिसीज होते हैं उनमें अगर देखें तो एक डिसीज का नाम है मरकरी के कारण होने वाले डिसीज। मरकरी के कारण से मिनामाटा डिसीज होता है, ये जापान का बहुत ही रेनाउंड डिसीज है जो हुआ है जापान में ईयर 1932 में हुआ। मरकरी का कंटामिनेशन पानी में बहुत ज्यादा हो गया जिसके कारण से वो सीधे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट किया, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हुए डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यूनिटी सिस्टम को ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण धीरे से लंग्स, किडनी, स्किन, आईज सब में इफेक्ट होने लगा। ये एक डायग्राम है फर्स्ट विक्टिम्स का जो मरकरी पॉइजनिंग के कारण हुआ था। नाइट्रेट, पानी में अगर नाइट्रेट का कंसेंट्रेशन ज्यादा आ जाए तो नाइट्रेट के कंसेंट्रेशन के कारण भी वाटर बॉर्न डिसीज आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है मिथ हिमोग्लोबिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं इसको, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम में न्यूबॉर्न बेबी या जो इन्फेंट्स रहते हैं उनमें ये ज्यादा असर करता है। मिथ हिमोग्लोबिया में बॉडी में ही जो हीमोग्लोबिन रहता है, जो ऑक्सीजन कैरी करता है, उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है और हीमोग्लोबिन जो है वो मिथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और मिथेन होमोग्लोबिन में कन्वर्ट होने के कारण से शरीर नीला पड़ने लगता है, इसकी नीले पड़ने लगते हैं और बहुत ही जल्दी जो भी इफेक्टेड है पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है। राजस्थान में ऐसे बहुत सारे बच्चे सिर्फ नाइट्रेट के कंटामिनेशन के कारण नहीं रहे, बिकॉज ऑफ ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इसलिए ये भी बहुत फेमस है, ये अपने इंडिया का ही है, राजस्थान का ही केस है। फ्लोराइड, अगर पानी में फ्लोराइड का कंटेंट ज्यादा आ गया, पानी में फ्लोराइड का कंटेंट ज्यादा आने से दांत में असर करता है, जितने बोन्स हैं, स्केलेटन सिस्टम है उस पर असर करता है, धीरे धीरे दांत का कलर चेंज होने लगता है, रेडिश कलर का आ जाने लगता है, तो ये फ्लोराइड का कंटामिनेशन है और धीरे से फिर जितने बोन है सब में इफेक्ट करेगा। इसका भी पता राजस्थान में ही पहले लगा, कारण क्या, वहां पानी की कमी है और पानी, काफी पानी इवेपोरेट होकर के उड़ जाता है और जो बचा हुआ रहता है उसमें परसेंटेज ऑफ कंटामिनेशन ज्यादा रह जाता है। आर्सेनिक के कारण से एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया होता है, वोमिटिंग होता है स्टार्टिंग टाइम में, और अगर आर्सेनिक का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो जाए तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होने से पिगमेंटेशन चेंज होने लगता है, जो अपने स्किन का कलर है वो चेंज होने लगता है, और ये स्किन का कलर चेंज होने के कारण कई बार स्किन कैंसर भी हो जाता है। चाइना में फेमस है ब्लैक फुट, इसमें पैरों में काले काले चकते पड़ जाते हैं
और धीरे से वो ब्लड वेसल में पहुंच करके गैंग्रीन बना लेता है, और आपको तो पता ही है गैंग्रीन होने से उस फ्रैक्चर्ड ऑर्गन को काटना पड़ता है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है अगर वाटर में मेटल का कंटामिनेशन हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ मेटल की टॉक्सिसिटी अगर वाटर में हो तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। इसी तरह से लेड है, लेड पीबी, लेड की टॉक्सिसिटी भी नर्वस सिस्टम, वॉमिटिंग, एनीमिया, इन सबको इफेक्ट करती है। अब आते हैं सेकेंड, ये तो किसके लिए हुआ, एनिमल की बात हुई। अब आ जाते हैं प्लांट्स में, जिसका है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर नाइट्रेट और फॉस्फोरस ये ज्यादा प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट, और ये पानी में आ गए, तो आने के बाद एक्वेटिक लाइफ में खाना मिलेगा ज्यादा, तो बहुत सारे फ्लोरा फोना बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं और यूट्रोफिकेशन होने लगता है। और इस यूट्रोफिकेशन के समान कारण एल्गी की बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, और एल्गी की ग्रोथ होने के कारण से यहाँ पर छोटे छोटे एनिमल्स आने लगते हैं। उन एनिमल में एक है फिस्टरेचिया। ये ऐसा एनिमल है जो कि इसका डायग्राम अगर आप देखेंगे ना, ये समुद्र में रहता है ज्यादातर, ऐसे पतला सा स्किन टाइप का रहेगा, जेली के समान पानी के जैसे दिखेगा, और जिसके कारण से बहुत ज्यादा पावरफुल टॉक्सिन जनरेट होता है पानी में। तो ये है यूट्रोफिकेशन का। बायोमैग्निफिकेशन, पानी के डिसीज के कारण बायोमैग्निफिकेशन होता है। ये बायोमैग्निफिकेशन एक दिन में पता नहीं चलता है, ये कई पीढ़ियों के बाद पता चलता है कि ये बॉडी में बायोमैग्निफिकेशन होकर के आ गया है। बायो और मैग्निफिकेशन, इसका मतलब है पानी में कोई चीज मिली हुई है, हम उस पानी को यूज कर रहे हैं, उसी पानी से प्लांट्स भी को भी सींचा जा रहा है, वो प्लांट में भी जा रहा है, और प्लांट हम खरीद के इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स किसी भी फॉर्म पे हम खा रहे हैं, हमारे तक आया। हमारे तक आने के बाद प्राइमरी ये जो वेजिटेरियन है इससे वो कार्निवोरस में गया, कार्निवोरस से अपर लेवल में गया, इस तरह से एक से पूरा फूड चेन से होता हुआ ऊपर चला गया। और हमारे पास जिस कंडीशन पे था वो हमने उसको और मैग्निफाई करके दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डीडीटी। मच्छर मारने के लिए पहले छिड़का जाता था ना डीडीटी, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी बहुत ही कॉमन है, ये बायोमैग्निफिकेशन हो गया इसका। और साइंटिस्ट ने ये देखा कि डीडीटी का बायोमैग्निफिकेशन होने के कारण से एयर, वाटर, सॉइल सब कुछ इफेक्ट हो रहे हैं, इवन छोटे छोटे एनिमल बर्ड सबके अंदर वो प्रॉब्लम जा रहा है, जिसके कारण से उनके एग शेल बनना, उनमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, जर्मेनेटिक कॉम्प्लिकेशन। तो इस तरह से बायो मैग्निफिकेशन को रोकने के लिए डीडीटी का छिड़काव बंद किया गया था। तो ये सब ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, हमने जैसे फर्स्ट में डिस्कस किया ये ह्यूमन के प्रॉब्लम थे, फिर यहाँ डिस्कस किया यूट्रोफिकेशन ये प्लांट्स के कारण प्रॉब्लम हुआ, और बायो मैग्निफिकेशन में प्लांट और ह्यूमन दोनों में ये प्रॉब्लम होते हैं। तो ये वाटर पोल्यूशन के मेजर कॉजेस हैं।